राइट सो अनिरुद्ध जी आयुष्मान जी सबसे पहले कांग्रेचुलेशन ट्रेलर बहुत ही ऑसम है एंड कुछ 24 मिलियन क्रॉस कर चुका है ओह रियली क्या कुछ फीलिंग है डेब्यू मूवी के साथ में एंड कितना कुछ एप्रिसिएशन हो रहा तो कैसे देखते हैं आप मैं यार बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत नर्वस हूँ बहुत सारी इमोशंस चल रही है अभी 6 दिन में रिलीज है हमारी फिल्म की पर मैं बहुत एक्साइटेड इसीलिए हूँ कि हमें लगता है कि फिल्म ट्रेलर से बेहतर है और बहुत बहुत कुछ है आपको देखने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आई होप कि सारे जाएं और देखें फिल्म हाँ जी नहीं ये जो एक्शन हीरो हमारे साथ में बैठे हैं इनको कैसे देखते हैं आप एंड कैसा रहा इनके साथ का काम करके मैं इनको ऐसे देखता हूँ इनके साथ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि पहली फिल्म में मैं मुझे बहुत स्पॉइल कर दिया है क्योंकि मुझे इतना कंफर्ट मिला है इतना प्यार मिला है इतना सपोर्ट मिला है और मैं इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता था किसी को एंड आयुष्मान जी फिल्म के बारे में बात करूँगा उससे पहले कि आपने भी सुना होगा कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपकी फिल्में साउथ में रीमेक हो रही है जी जो पहली बार हो रहा है कि यहाँ से वहाँ साउथ ये जो फीलिंग है एंड दो तीन फिल्मों का नाम आया जो फिल्में वहाँ पे बन रही है ये जो फीलिंग है ये कैसे देखते हैं आप जी हाँ बधाई हो का रीमेक हुआ है अंधाधुन का हुआ है और आर्टिकल 15 का हुआ है तो ये एक सेंस ऑफ वैलिडेशन है सिर्फ मेरे लिए नहीं आई थिंक ये उनके लिए जिन्होंने फिल्में बनाई हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हैं मैं तो चूज ही कर सकता हूँ आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस फिल्म पर आई एम द एंडोर्सर ऑफ द फिल्म मैं इसका हिस्सा हूँ तो आई एम ग्लैड कि पब्लिक ने प्यार दिया है इन फिल्मों को और ये फिल्में साउथ में बनी है नाउ एक्शन हीरो के अंदाज में अब हम आपको देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रेलर में हमने देखा काफी मार धाड़ करते हुए थोड़ा बहुत रोमांस भी करते हुए एंड आप थोड़ा बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद एक्शन हीरो के साथ ये एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार मैं पिछले 10 साल से कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो एक्शन फिल्म करूँ थिएटर के दिनों में मैंने काफ़ी अग्रेसिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कॉलेज के टाइम पर लेकिन जिस तरह की फिल्मोग्राफी मेरी रही है मैं हमेशा एक वल्नरेबिलिटी वाला कैरेक्टर प्ले किया है या गाय नेक्स्ट डोर जो इम्परफेक्ट है पर अपनी नज़र में ये कैरेक्टर माना द सुपर स्टार बहुत परफेक्ट है तो ये इतना फ्लैम्बॉयंट और एक स्टारडम वाला कैरेक्टर मैंने भी प्ले नहीं किया सो इसलिए ज़्यादा एक्साइटिंग है एंड जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है सुना है कि स्टेज पे जाने से डरने वाला लड़का आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है बैक टू बैक जो फिल्में आ रही है वो बहुत ही हिट हो रही है लोगों को बहुत पसंद कर रही है एंड नाउ एक्शन हीरो ये जो लाइफ में चेंजेस आया ये कैसे देखते हैं हालांकि बहुत ही बड़ा है ये लेकिन अगर आप बता सकते ये मेरी पैंडमिक के बाद पहली फिल्म है जो मैंने चूज की थी सो ये इसका आई थिंक जो टिक मार्क्स हैं वो बॉक्सेस हैं वो अलग हैं ये एक ग्रामर है इसकी जो ज़्यादा कमर्शियल है ये एक थोड़ी वाइडर ऑडियंस के लिए है एट द सेम टाइम एक्शन ये कुछ कन्वेंशनल एक्शन नहीं है इसमें कुछ अलग हटके तो है ही कहानी बहुत इसकी टेढ़ी है और देखकर लोगों को मज़ा आएगा तो और मेरे लिए रीइन्वेंशन है मुझे लगता है मेरा डेब्यू फिल्म है तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंधाधुन चंडीगढ़ करें आकाश की ड्रीम गर्ल ये सब में काफ़ी अलग अलग अंदाज में दिखे हो आप बट ऐसे आपके तरफ से ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला था ये एक्शन मूवी आप करना चाहते थे पहले से कि आपका ड्रीम था और ये आपके पर्सनल लाइफ से कितना रिलेट करते हैं उसके बारे में पर्सनल लाइफ से कुछ कुछ रिलेट नहीं करता इसमें क्योंकि मैं ऐसा फ्लैम्बॉयंट इंसान नहीं हूँ मैं ना फिर मतलब उस तरह की एरोगेंस कैरी करता हूँ जो मानव द सुपरस्टार इन द फिल्म वो कैरी करता है और वो एक सिचुएशन में फंस जाता है मैं नहीं चाहता पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में फंसूँ मेरी लाइफ इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है तो ये इसलिए बहुत अलग है और तभी और चैलेंजिंग और मज़ेदार होता है एक्साइटमेंट होती है कैरेक्टर को लेकर अगर आपके निजी जिंदगी से बहुत परे हो बहुत दूर हो जयदीप सर की बात करें तो जयदीप सर भी उतने लाइमलाइट में हैं जितने आप हो तो ट्रेलर देखने के बाद लुक लिटिल कंफ्यूज दैट कि हु इज द रियल हीरो इन द मूवी इस फिल्म के अंदर ये दोनों किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं दो किरदार
और मैं बहुत एक्साइटेड था जयदीप अहलावत के साथ काम करने के लिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, उनका एक 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 ईज़ है उनकी, उनके उनके स्टाइल ऑफ एक्टिंग में, वो अपना कुछ मेथड का ज़्यादा दिखावा नहीं करते और इस फिल्म में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं, और ये मेरी इंसिस्टेंस थी कि मैं, कि हमारी फिल्म में वो हों। मैं अपनी डेट सजेस्ट उनके लिए की थी कि जब वो कि पता लो क्या काफ़ी बिजी हो गए थे वो, क्योंकि ये उनके अलावा कोई कर नहीं सकता मेरे हिसाब से। सर आपसे जानना चाहूँगा, जयदीप सर और आयुष्मान सर काफ़ी, दोनों काफ़ी उम्दा कैरेक्टर हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट था आप लोग के लिए, जिस तरह से पातालो के बाद उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस मूवी में इन दोनों को सामने कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सारे, एक फैमिली की तरह काम किया हमने, बिल्कुल भी ये कभी लगा नहीं कि यू नो कभी भी वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ मुझे, दोनों बहुत सिक्योर एक्टर्स हैं, इनके अंदर वो इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, तो वो प्रोसेस कभी ऐसा उस तरफ गया ही नहीं, बहुत नेचुरल और हैप्पी रहा। और आयुष्मान सर से इसके पहले आपकी कहीं मुलाकात इस मूवी से पहले? मैं इनको एक्चुअली फॉर्चुनेटली मैं इनको शुभमंगल सावधान के टाइम पे मिल चुका था, तो तब से और क्योंकि कलयलो में इसके पहले दो फिल्में कर चुके हैं, तो इनका आना जाना रहता था कंपनी में और इनके ट्रायल्स लुक टेस्ट ये वगैरह होते थे, तो मेरा मिलना होता था इनसे, तो थैंकफुली मैं इनको जानता था जब तक एक्शन हीरो तक हम पहुँचे, एक एक छोटा सा एक रिश्ता बन चुका था, तो इट वॉज वेरी, इट वॉज ईजियर टू यू नो टॉक टू हिम। तो हम ऐसा माने कि बैक बैक यू एंड आयुष्मान का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा? होपफुली मिलना चाहिए। एक जो और अच्छी चीज हुई है इस फिल्म के साथ में, आयुष्मान एंड मलाइका जी को गाना मैंने देखा, बहुत ही ऑसम है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप भी देखा, तो ये आपका आपका आइडिया था कि, या फिर ये अगर मुझे बता सके कि ये कैसे क्रिएट हुआ या टीसी कीजिए आप? यार हम एक्चुअली एक इसमें जो गाना है आप जैसा कोई वहाँ उस सिचुएशन के लिए हमको एक जब आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा, उस सिचुएशन के लिए हमको एक पुराने गाने की ज़रूरत थी, एक रेट्रो गाने की ज़रूरत थी, वो नैरेटिव में है, वो कहानी का हिस्सा है, तो इस रीज़न से ये गाना आया है फिल्म में। थैंकफुल इतना अच्छा गाना मिला, हम बहुत लकी फील करते हैं कि हमको यू नो वी वर ब्लेस्ड विद दिस सॉन्ग एंड वी कुड डू जस्टिस टू इट होपफुली। तो एक्चुअली सब कुछ कहानी से आया है, किसी एक इंसान से या एक जगह से नहीं आया, कहानी की जो जो नीड है हमने मिलके उसको पूरी की। जेरा में ऐसा गाना पहले ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और जैसे रिमिक को, रिमिक के रिएक्शंस मिलते हैं लोगों से, और इसमें भी एक रिमिक किया हुआ है, तो इसमें इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी नंबर दो पे ट्रेंडिंग हो रहा है यूट्यूब पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। पहले हाँ ये गाना पहले इंस्टा रील्स तक सीमित था, अब ये गाना को और वाइडर ऑडियंस मिली है, क्योंकि ये गाना मैं खुद दो साल से सुन रहा हूँ, पैंडमिक में मेरे लूप पे था, मेरा फेवरेट गाना है, और जब भूषण जी ने बताया कि इसके इन्होंने क्रिएटर से बात की है और रिक्रिएट कर सकते हैं, तो आई वाज रियली एक्साइटेड। जब तक एक रीमेक में उनके ओरिजिनल क्रिएटर्स की सहमति ना हो, जब तक वो खुद गा ना रहे हो, तब उस रिक्रिएशन का मतलब नहीं होता है, और इसमें वो किया गया है जड़े नशा में, ओरिजिनल क्रिएटर्स को लूप में लेकर ये क्रिएटिव प्रोसेस हुआ है, और अब मेरे वॉचमैन को भी ये गाना पसंद है, क्योंकि पहले सुना, उसने सुना नहीं था पहले, तो वही मैं बोल रहा हूँ उसकी रीच वाइड इतनी हो गई कि जनता तक पहुँच गया गाना, ये सिर्फ यूथ और इंस्टा रील्स में नहीं है अब, सो वी आर ग्लैड दैट दैट वी आर गोइंग टू डू दैट एंड वी आल्सो ऑनर्ड कि गाना हमारी फिल्म में। बिल्कुल, एंड कई कई बार आप लोग, आपसे सवाल लोगों ने पूछा होगा, क्योंकि आप एक्शन हीरो में आ रहे हैं, तो कौन है आपका इंस्पायर्ड एक्शन हीरो जिससे आयुष्मान जी इंस्पायर्ड होते हैं उनकी एक्शन फिल्म में बहुत ही देखते हैं? आई थिंक हमारे पहले एक्शन हीरो अक्षय बाजी रहे और करंटली टाइगर श्रॉफ इज ग्रेट, आई थिंक वैसा एक्शन कभी किसी ने किया नहीं, और इंटरनेशनली टॉम क्रूज, टॉप गन में क्या कमाल थे वो। एंड नाउ दिसंबर में ये फिल्म रिलीज हो रही है, ऑडियंस को कुछ कहेंगे डेब्यू डायरेक्टर साहब एंड आयुष्मान जी? बहुत बहुत एक्साइटिंग टॉपिकल फिल्म है, बहुत रेलिवेंट फिल्म है, प्लीज 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 थिएटर्स में जाके देखिए 2 दिसंबर। थैंक यू सर। 2022 की एक बहुत ही यूनिक और साथ में न्यू एज सिनेमा है, आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, और थ्रिल है, एडवेंचर है, कॉमेडी भी है और सरप्राइज भी है। सो
2nd December, an action hero. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much.